उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 का दंगल शुरू हो गया। सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार करने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पर बात उन्नाव की काशीराम कॉलोनी की करे तो वहां किसी भी दल का कोई प्रत्याशी जाने का साहस नहीं उठा पा रहा। मामला काशीराम कॉलोनी की बदहाली का है, जहाँ के रहने वाले बसिंदे नरक की जिंदगी जीने को विवश है और उनकी इस बदहाली पर ना तो प्रशासन और ना ही किसी भी नेता की नजर पड़ रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है, लैट्रिन से पानी नहीं निकल पा रहा, जाम पड़े हुए, गुटलखाने जाम पड़े हुए हैं, चैम्बर में पीछे कूड़ा ऊपर जो लोग फेंकते, इतनी गंदगी फैली हुई कि नीचे सीलन के सिवा और कुछ नहीं है। सब मैं हम लोगों के कपड़े उछले जा रहे हैं, हम लोग रहने के लायक नहीं रह गए यहाँ पे। कभी यहाँ के विधायक देखने नहीं है, कैसे रह रहे हैं आप लोग? आज तक नहीं कोई विधायक आया, और आते हैं तो बस वही वहाँ कुर्सी पर जाएगी, भाषा देने के बाद निकल लेते हैं अपने स्कॉर्पियो में बैठ के। चुनाव का समय है, अभी वोट मांगने आएंगे तो आप लोग क्या बताओगे उनको? हम यही बताएंगे कि भाई साहब पहले यहाँ की सफाई करवाइए, सुरक्षा अच्छी रखवाइए, बंदोबस्त करवाइए, ये बिल्डिंगें गिरी जा रही हैं, अगर कोई हादसा बड़ा हो जाएगा तो आप तो जीत के बैठ जाएंगे। एक आदमी चार बर्तन पड़े को चुरा सकते हैं।